أعوذ بعزة الله الملك الحق المبين من شر ذي شر في العالمين. الصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرازية والجود التقوية والنقابة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بالحق. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به الملك. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُم مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ ابْتَغُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونَ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ أَجْمَعِينَ. هَاوَ مِنَ جَسَّ मैंने अभी आयत की तिलावत की, ये है सूरह यूनुस की आयत नंबर 71। 71 आयत में परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया। इस आयत के तर्जुमे तो थोड़ी सी बात भी करूंगी, लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये कौन सी आयत है कि जिसको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कब और किस वक्त तिलावत फरमाया था। ये वो आयत है जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के सामने तिलावत फरमाई थी और अपनी कौम को कहा था कि ए मेरी कौम आओ, तुम लोग जमा हो जाओ मेरे ऊपर हमला करने के लिए, और जितनी अपनी ताकत है अपनी ताकत के साथ आओ और मेरा मुकाबला करो। हाँ, मैं कहूंगी अज़ादारा ने इमाम, आज तो 10 मुहर्रम है और आज 10 मुहर्रम है और ये पूरे का पूरा 10 मुहर्रम मेरे हुसैन के नाम पे होता है। हुसैन ने इस आयत को उस वक्त तिलावत फरमाया जब मेरा हुसैन मेरा मौला यजीदी लश्कर के सामने आता है, तो हजरत नूह की इस आयत को तिलावत फरमाते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं या कौम इन कान कबुर अलैकुम मकामी, ए मेरी कौम, मुझे पता है मेरा मकाम तुम्हारे लिए बहुत आला है, तुम्हारी समझ से ऊपर है, तुम मेरे मकाम तक पहुंच ही नहीं पाते और तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है कि मेरे इस मकाम को कबूल कर सको। और फिर यहाँ पर कहते हैं इमाम हुसैन कहते हैं कि फअजमिउ अम्रकुम वशुरकाउकुम, जमा करो, आ जाओ तुम सब लोग और अपने शरीक को भी मेरे ऊपर ले आओ, जिसको लाना है लाओ और आके उनसे कहो हुसैन पे हमला करे। हाँ, अजादारा ने इमाम, मैं कहूंगी आज मैं सबको अजादारा ने इमाम कहूंगी क्योंकि आज 10 मुहर्रम है। ए अजादारा ने इमाम, मैं आपसे एक सवाल करती हूँ कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने असहाब को ले गए करबला में, इमाम हुसैन जब अपने असहाब को करबला में लाए ना, तो एक सवाल मैं आप सबसे कहती हूँ कि इमाम हुसैन के सब असहाब को पता था कि इन ये जितने भी यजीदी हैं इनका सिर्फ और सिर्फ मकसद एक है, एक ही मकसद है कि हुसैन को कत्ल करना, हुसैन को शहीद करना, हुसैन के सर को तन से जुदा करना। चाहे कायनात में कितने भी इंसान आ जाए तब भी वो उसको कत्ल कर देंगे और हुसैन को वो जमीन पर नहीं रहने देंगे। लेकिन फिर भी असहाबे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क्यों हुसैन पे जान दी, इसका जवाब मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा मैं इस अंदाज में दूं कि हाँ आजादारा ने इमाम, क्योंकि इमाम के असहाब को पता था कि हुसैन वक्त का इमाम है, जैसे हमारा इमाम है मेहदी, उनको पता है वक्त का इमाम है। वो कहते हैं कि अगर पूरी जमीन के इंसान दरिंदे चरिंदे परिंदे जितने भी मखलूकात है, अगर उनकी जान देकर भी वक्त के इमाम को एक घंटा आधा घंटा 10 मिनट
पे अगर जमीन पर एक इमाम को रखा जाए तो इमाम का इस जमीन पर रहना 10 मिनट 1 घंटा पूरी मखलूकात की जिंदगी से बड़ा है। इसलिए तमाम इमाम के असहाब ने अपनी जान दी कि हम थोड़ी देर के लिए वक्त के इमाम को इस जमीन पर रख सके। अजब है कि इमाम हुसैन के इस रुतबे को कोई ना समझ सका, सिर्फ असहाब इमाम समझ सके। वो हमें पैगाम देते हैं, अब्बास पैगाम देते हैं, हुसैन की मार्फत हासिल करो। हुसैन ने क्या किया, हुसैन की हिकमत अमली देखें कि हुसैन ने इस करबला को रह ता कयामत महफूज कर दिया, हमारे लिए ता कयामत महफूज कर लिया हुसैन ने। और उलमा ने किस तरह से इस आजादारी को महफूज रखा, अली असगर को लेके आए ना। मैं अजब हो गई कि एक जगह पर एक क्रिश्चियन पढ़ रहा था करबला के बारे में, तो जब उसने पढ़ा वो मुसलमान हो गया। कहां से मुसलमान हुआ, क्योंकि उसको जब पता चला ना कि यजीद की और इमाम हुसैन की जंग थी और उसमें एक नन्ना सा बच्चा 6 महीने का बच्चा शहीद किया गया, तो उसको पता चला कि हाय असगर का क्या कसूर था। इसका मतलब है कि यजीद जो था वो नाहक था, हुसैन हक पर था, जिसकी वजह से उसने तहकीक की इस्लाम पर और मुसलमान हो गया। कुछ साल पहले की बात है कि मुझे पता है कि जहां हम लोग रहते हैं यहाँ, मैं एक दफा बाहर निकली थी, जब मैं एक दफा बाहर निकली तो मैंने किसी औरत को देखा, जैसे नहीं हमारे सिस्टर्स होती है, जैसे क्रिश्चियन की नंस होती है, उनको यहाँ मसेर कहते हैं। मैंने देखा कि एक चर्च की कुछ मसेर, जैसे यहाँ पर मसेर कहते हैं उनको, नंस को, तो वो जो मसेर थी ना वो बाहर निकली थी, रोड पर बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये चिल्ला क्यों रही थी, क्योंकि मैं अपनी क्लास लेकर घर जा रही थी, मेरे साथ मेरी एक दोस्त थी, मैंने उससे पूछा कि ये जो मसेर है क्यों इतना चिल्ला रही, चीख रही, क्या हुआ है। उसको पूरा वो पहना हुआ था, जिस तरह से क्रिश्चियन की वो पहनते हैं, उसने पूरा पहना हुआ था। तो मैंने उसको पूछा क्यों ये कह रहे, कहा इसलिए क्योंकि चर्च में लोगों ने आना छोड़ दिया, मजहब को छोड़ रहे, धर्म को छोड़ रहे, सिर्फ एक संडे को जाते हैं, जब उनको कोई काम होता है तो अपने काम के लिए अपने मजहब को इस्तेमाल करते हैं, वरना अपने मजहब को इस्तेमाल करना छोड़ दी। इसलिए ये लोग रोड पे, ये मस्जिद रोड पे आकर उनको चिल्ला के तबलीग कर रही है और बुला रही है। और कुछ साल पहले की बात है कि एक बहुत बड़े पॉप ने ये ऐलान किया कि अगर तुम अपने ईसाइयत को कायम रखना चाहते हो तो तुम्हारे लिए वाजिब है कि तुम मुसलमानों के अंदर एक ग्रुप है, शियों का ग्रुप, उसके अंदर जाओ, देखो कि वो नबी के नवासे के लिए किस तरह से आजादारी करते, तुम बैठ कर ईसा के लिए ऐसे आजादारी करो तो तुम्हारा दीन बाकी रहेगा। बड़ा प्रूफ है इस दुनिया में, इस दौर में बहुत बड़ा प्रूफ है हमारे लिए कि हुसैन ने ये दिरिया, ये जारी, हुसैन पर रोना, ये हुसैन ने हमें बताया है कि इसके जरिए से तुम इस्लाम को महफूज कर सकते हो। तो हाँ ज़ादारा ने इमाम, एक और चीज में आपसे सवाल करूंगी कि इमाम हुसैन ने एक लफ्ज कहा था, हल मिन नासिर यंसुरना, क्यों इमाम हुसैन ने ये लफ्ज कहा था। जब इमाम हुसैन ने ये लफ्ज कहा था ना तो इमाम हुसैन के पास जिन आए थे, तमाम मखलूकात जानवर तक इमाम हुसैन के पास आए थे और हुसैन से कहा था कि आप जब कहते हैं ना हल मिन नासिर यंसुरना, हुसैन हम आते हैं आपकी मदद के लिए, लेकिन इमाम हुसैन ने किसी की मदद को एक्सेप्ट कबूल नहीं किया, कहा नहीं। लेकिन अजब हूं मैं कि इमाम हुसैन ने क्यों उस वक्त कबूल की, उस वक्त ये लफ्ज पढ़े हल मिन नासिर यंसुरना, जब तक जब सब शहीद हो चुके थे। आखिर में इमाम हुसैन ने क्यों कहे, क्योंकि इमाम हुसैन ये हम लोगों को ये लफ्ज कहते हैं, हमें कहते हैं हल मिन नासिर यंसुरना, कि इमाम हुसैन ने ऐसी हिकमत अमली की है, वो जगह चूज की, कौन सी जगह चूज की, किस जगह से हुसैन निकले हैं, किस टाइम को इस्तेमाल किया, किस वक्त को, किन लोगों को खतूत लिखे, किन को अपना एम्बेसडर बनाया, किन को अपना सफीर बनाया, किन लोगों को अपना सहाबी बनाया, किन को शहीद किया, किन को ले, और कितने छोटे छोटे बच्चे जब ऊँटों से गिरते थे और ऊँट उनको कुचल के रखते थे, हुसैन ने बताया
हुसैन की ये हिकमत अमली थी, क्यों? क्योंकि इसको इस्लाम को बचाना, कुरान को बचाना, और किस चीज को बचाना? नमाज को बचाना। हुसैन कहते हैं हल मिन नासिर यंसुर, ना कोई है तुम्हारे में जो हुसैन की मदद करे कि इस कुरान को बचाओ? हुसैन ने नोके नेजा पे कुरान पढ़ा था। मैं फिर से सवाल करती हूँ, हुसैन ने पढ़ा था ना कुरान? क्यों हुसैन ने कुरान पढ़ा? क्योंकि हुसैन हमको पुकारते, ए मेरे शियो, क्या तुम में कोई नहीं है जो हुसैन ने कहा हल मिन नासिर यंसुर, ना कोई मेरी मदद करे इस कुरान और इस नमाज को बचाए, अहल बैत को बचाए, सकलेन को बचाए। हुसैन ने चिल्ला कर नोके नेजा पे भी कहा, ये कुरान हमारा दोस्त है, हमारा साथी है, हमें जो चीज चाहिए होती ना, हम हमारे पास अभी इस दौर में हमें नहीं पता कौन हक है कौन बातिल है, लेकिन ये कुरान हमें बता रहा है हमारे हमारा वक्त का इमाम पढ़ते गैब में, मैं कहां जाऊं, किसके पास जाऊं, किससे मैं पूछूं हक क्या है बातिल क्या है, कौन किससे मैं रास्ता लूं? सिर्फ ये कुरान है जो मुझे बता सकता है। अहादीस भी कुरान के मुताबिक ही होती है। तो हाँ मोमिनात, हाँ आजादारा ने इमाम, हम देखते हैं कि इमाम हुसैन ने करबला में एक खास चीज बचाई, वो कौन सी चीज है? वो है नमाज। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने नमाज को बचाया करबला में। क्यों नमाज को बचाया? क्योंकि हमारे लिए, हमें बताने के लिए कि देखो हुसैन की अहमियत क्या है। करबला में इमाम हुसैन ने बयान किया, मैं चाहती हूँ कुछ आयतों, कुछ नमाज की आयतें जिनको मैं बयान करूं और इमाम हुसैन को उन आयतों के साथ कंपेयर करूं कि मौला ने किस तरह से हमें बताया कि नमाज को बचाओ। क्या मैं हुसैनी हूँ? मैं वक्त पे नमाज पढ़ती हूँ। आज आशूर का दिन है, जब जब काफिले जाते हैं, जब मातम होती है, जब आजादारी होती है, कहीं हमारी नमाज तो कजा नहीं हो जाती? कितने ऐसे लड़के लड़के होते जिनसे मैं पूछती हूँ नमाज हुई, नमाज क्यों कजा हुई? मैं जल्दी से आती हूँ कुछ आयतों की तरफ जिसके लिए खुदावंदे आलम ने क्या बयान किया और हुसैन ने उन आयतों को क्या करके दिखाया। मैं हुसैनी हूँ तो कुरानी हूँ, नमाजी हूँ। अगर मैं हुसैनी नहीं हूँ तो फिर आप समझ लो कि मैं ना कुरानी हूँ ना मैं हुसैनी हूँ। यहाँ पर एक आयत है, मैं इस आयत को बयान करके फिर मैं जाऊंगी। सूरह मुदस्सिर, आप जरूर पढ़ते होंगे सूरह मुदस्सिर। आज आशूर का दिन है, आज मसाइब का दिन है, और मैं नमाज की बात कर रही हूँ क्योंकि इसी नमाज आशूर के दिन हुसैन ने नमाज पढ़ी थी। हुसैन ने किस तरह से नमाज पढ़ी? कुरान में सूरह मुदस्सिर की आयत है कि जहन्नुमियों से जन्नती पूछेंगे, जन्नती पूछेंगे क्या कहेंगे, कहेंगे कि फिर जन्नत यतसाअलून अनिल मुजरिमीन, जन्नती जहन्नुमियों से पूछेंगे के मां सलका को फिसकर, तुमको कौन सी चीज जहन्नुम में लेकर आए? तो वो चार चीजें बयान करेंगे। आप इन चार चीजों को नोट कर ले, हुसैन ने इन्हीं चार चीजों को भी इसमें बयान किया करबला में, और इन चार, ये चार चीजें ऐसी हैं कि अगर हमारी जिंदगी में आ जाएंगी तो फिर जन्नत का तस्वर हम छोड़ दें, फिर हम हुसैनी बनने का तस्वर छोड़ दें। एक खुदावंदी आलम कहता है कि वो जहन्नुमी कहेंगे के कालू लम नको मिनल मुसल्लीन, एक तो हम नमाजी नहीं थे, हम नमाज नहीं पढ़ते थे, दूसरा वलम नको तामुल नुत, वलम नको नुतइमो, वलम नको नुतइमो नुतइमुल मसाकीन, हम मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाते थे, और वकुन्ना नहुज माल खायजीन, हम जैसे लोग देते थे ना उनके जैसे हो जाते थे, नहीं गिरगिट की तरह जैसा माहौल होता था हम उस माहौल में अपने आप को वैसा बदल देते थे, बुरे इंसान के साथ बुरा, अच्छे के साथ अच्छा, गीबत करने के बाद साथ हम गीबत कर देते हैं, अजब है ना, जो गीबत करता है हम उसका साथ देते हैं। तो यहाँ पर भी वो लोग जहन्नुमी हो जाते हैं। वकुन्ना नुकज्जिबु बियौमिद्दीन, हम आखिरत के वक्त को झुटलाते थे। यहाँ पर ये चार चीजें जहन्नुमियों की निशानी है। मैं आती हूँ कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए जल्दी से मैं कोशिश करूंगी इमाम हुसैन उसकी नमाज को बयान कर सकूं आज के दिन, आशूर के दिन, क्योंकि आशूर को ही मेरे मौला ने नमाजें पढ़ी थी। कुरान की सबसे बड़ी सूरह सूरह बकरा, और उसमें खुदावंद आलम कहता है कि الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة, और फिर उसके बाद आते कुरान में सूरह बकरा आयत नंबर 43 में खुदावंद आलम कहता है قد, खुदा कहता है वरकउ مع الراكعين, खुदा कहता है कि रुकू करो रुकू करने वालों के साथ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दुश्मनों के सामने भी नमाज की सफ़े बिछा दी थी। यहाँ पर फिर एक और आयत है, कुरान बताता है कि तुम जंग में किस तरह से नमाज पढ़ते हो,
तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने भी जंग में भी नमाज कायम करके हमें दिखाया। और खुदाबंदे आलम कुरान में कहता है, क्या कहता है ये सूरह निसा आयत नंबर 102, मैं जल्दी से बता दी, खुद आप आयतों को करोगे तिलावत, आप आयतों की तहकीक करोगे कि कुरान में कौन कौन सी है। काश हम कर सकते, हमें इतना इश्क होता कुरान पर कि हम जैसे एक आयत सुनते फौरन इमाम हुसैन से कहते हुसैन हम हुसैन ही, देखो आपने नोके नोजा भी नेजा भी कुरान पढ़ा था, और हम भी जब आयत सुनते हैं फौरन उस आयत की तहकीक करते हैं। सूरह निसा आयत नंबर 102 में यहाँ खुदाबंदे आलम कहता है ना रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि किस तरह से जब जंग होती है तो जंग के मैदान में किस तरह से नमाज पढ़नी चाहिए। हुसैन ने सेम उस तरह से नमाज पढ़ी जिस तरह से अल्लाह ने कही थी मोहम्मद को, ऐ मोहम्मद जब जंग हो तो असलहा पकड़ के नमाज पढ़नी चाहिए। तो हुसैन ने भी इस तरह से करके दिखाया। और खुदा कहता है कि कुरान जो है ना वो एक एनर्जी देती है, एक एनर्जी, गैबी एनर्जी। अगर आपको गैबी एनर्जी, गैबी ताकत चाहिए ना तो वो नमाज देती है। हुसैन ने क्या किया, हुसैन ने गैबी मदद, गैबी एनर्जी नमाज से दी। और कुरान कहता है ना वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात, ताहे क्या मदद लो नमाज से और सब्र से। हुसैन ने भी सब्र से और नमाज से मदद लेकर हमें दिखा दिया। हुसैन ने जंग के मैदान में भी कहा, क्या कहा था कि मुझे मोहलत दो मैं नमाज पढ़ू। हुसैन ने क्या किया, खुदावंत आलम कहता है कि कुरान में कहता है इक़म सलात लिदुलूल का शाम सुरैसा आयत नंबर 78 में अल्लाह कहता है कि तुम नमाज पढ़ो अव्वल वक्त में। हुसैन ने आशूर को जोहर के बाद अव्वल वक्त नमाज को अदा किया। क्या हुसैन खेमों में नमाज नहीं पढ़ सकते थे क्या हुसैन? ये तो वो वक्त था, ये तो वो सिचुएशन थी, वो कंडीशन थी, वो हालत थी कि अगर हुसैन नमाज ना भी पढ़ते ना तो भी उनके ऊपर फर्ज ना होता। मैं कहती हूँ यहाँ पर हुसैन ने बता दिया कि किस तरह से नमाज को अंजाम देना चाहिए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कुरान में सूरह मरियम आयत नंबर 31 में 31 में कहते हैं वह ओसानी बिस्सरात व ज़कात मादम तो हय्यन, मुझे वसीयत की गई कि जब तक मैं जिंदा हूं मैं ज़कात दूं और नमाज पढ़ूं। हुसैन ने करके दिखाया, हुसैन ने आखिरी वक्त तक सजदे में जान देकर बता दिया। और हुसैन यहाँ आखिरी वक्त तक, आखिरी सांस तक हुसैन नमाज पढ़ते हैं। हाँ आजाद हराने इमाम, मैं चाहती हूँ एक और चीज जो हुसैन की बताएं बयान करूं जो मेरे दिल को बहुत बहुत चुभती है, वो ये है कि हुसैन जब नमाज पढ़ रहे थे ना तो हुसैन जब नमाज पढ़ रहे थे तो 30 तीर हुसैन की तरफ भेजे गए, बर्ताव किए गए। और जब हम देखते हैं ना कि नमाज में अलहम्द, रुकू और सजदे के अल्फाज भी 30 होते हैं, हर लफ्ज के बदले में हुसैन को हर लफ्ज के बदले में एक तीर दिया गया। हुसैन ने तीर खाना पसंद किया लेकिन हुसैन ने नमाज को छोड़ना कबूल न किया। कुरान में सूरह नूर आयत नंबर 37 आप पढ़ो, यहाँ तो मैं कहूँगी ये आयत तो हम लोगों के लिए, अल्लाह कहता है जो बहुत ही अल्लाह के प्यारे बंदे होते हैं ये जरूर आप आयत पढ़िएगा। खुदा कहते हैं रिजाल ला तुलहीहिम तिजारतुन वला बेअन जिक्रिल्लाह वकाम सलात, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिजनेस करते हैं, छोटा मोटा काम करते हैं या बड़ा काम करते हैं लेकिन वो इतने वक्त के पाबंद होते हैं, वो इतने शरीयत के पाबंद, इतने नमाज के पाबंद होते हैं कि उनकी बिजनेस, उनका काम, उनका छोटा मोटा काम उनको रुकावट नहीं बनता है नमाज में। लेकिन हमारे लिए क्यों रुकावट बन जाता है हमारा काम? क्योंकि हम शायद हमारे अंदर वो हुसैनी जज्बा नहीं है, शायद सिर्फ हम जबान तक हुसैनी है, अंदर हम हुसैनी नहीं। अगर हम अंदर हुसैनी होते ना तो इमाम हुसैन बताते कि कोई जान को हथेली पे रख कर तीरों के साए में, तलवारों के साए में हजारों लाखों के लोगों के बीच में किस तरह से नमाज पढ़ी जाती। हुसैन वो है जिसके ऊपर एक ही वक्त में 30,000 लोगों ने हमला किया था, एक हुसैन पर 30,000 लोगों ने हमला किया। और हुसैन बताते हैं कि किस तरह से नमाज पढ़ते हैं, मैं हुसैनी हूँ, मैं नमाज पढ़ती हूँ, मेरी नमाज कैसी होती है? तो हाँ आजादारन इमाम, मेरे हुसैन ने बता दिया कि किस तरह से नमाज पढ़ी जा सकती है। हुसैन ने
क्यों मोहलत मांगी? हुसैन को पता था कि सब शहीद हो जाएंगे, लेकिन हुसैन ने सिर्फ नमाज के लिए मोहलत मांगी। अजब है, हुसैन ने क्या लफ्ज बताए थे? पता है क्या कहा था हुसैन ने? ये नहीं कहा था कि मुझे इजाजत दो कि मैं नमाज पढ़ूं। हुसैन ने फरमाया था कि इन्नी हिब्बुस्सलात, मैं नमाज से मोहब्बत करता हूँ, चाहता हूँ, इश्क रखता हूँ नमाज से। एशियो, मैं नमाज इसलिए तुम्हें ये नहीं कहा, हुसैन ने ये लफ्ज इसलिए नहीं कहे कि मैं नमाज पढ़ता हूँ, क्योंकि एशियो हुसैन कहता है इन्नी हिब्बुस्सलात, मैं चाहता हूँ, इश्क रखता हूँ नमाज से। तो तुम भी नमाज से इश्क रखो, चाहो मोहब्बत करो नमाज के साथ। यहाँ पर इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के पास जुरारा आता है और जुरारा कहता है इमाम हुसैन से कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के पास जुरारा आता है और जुरारा कहता है इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से कि मौला, मैं जब भी आपके पास आता हूँ खाने काबा के बारे में पूछता हूँ, बैतुल मुकद खाने काबा के बारे में आपसे पूछता हूँ, बैतुल्लाह के बारे में पूछता हूँ, तो आप हमेशा नए नए राज, नई नई बातें बयान करते हो, तो मौला ये कहाँ से आपके पास राज आते हैं, क्यों इसके राज खत्म नहीं होते? तो यहाँ इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, तुम क्या समझते हो कि ये खाने काबा जो हजरत आदम से पहले का बना हुआ है, तुम समझते हो कि एक दो दफे से इसके राज खत्म हो जाएंगे? लेकिन अजब है यहाँ पर कि खाने काबा जो कि सिर्फ एक किबला है, जिसको सिर्फ हम जिसका हम सिर्फ चेहरा करके उधर नमाज पढ़ते हैं, हम चेहरा करके नमाज पढ़ते, किबला है हमारे लिए बेहतरीन किबला अल्लाह ने करार दिया है, उसके राज, उसके सीक्रेट, उसके उलूम खत्म नहीं होते, तो नमाज के राज और सीक्रेट कहां से खत्म हो जाएंगे? नमाज, यहां इमाम हुसैन ने ये बताया कि हुसैन का जिस्म सुराख सुराख तो हो सकता है, हुसैन के जिस्म पर तीर मारो, जो करो करो, लेकिन हुसैन नमाज नहीं छोड़ सकता, हुसैन कभी भी नमाज नहीं छोड़ सकता। लेकिन मैं कहती हूं कि मौला हम तो नमाज छोड़ देते हैं, हमने नमाज छोड़ दी। मैंने एक बहुत बड़े आलिम से क्या खूब सुना, एक बहुत बड़े आलिम कहते हैं कि एक दफा, मुझे नहीं पता ये बात कितनी सच है, लेकिन ये बात मेरे दिल को लगी, कहते हैं 10 मुहर्रम था, बहुत शदीद गर्मी थी, प्यास का आलम था, हर खेमे से आवाज आ रही थी, अल अतश अल अतश अल अतश की आवाज आ रही थी। जोहर का वक्त था, जब अजान की आवाज आती है ना, तो अजान की आवाज पर हुसैन अपने साथियों के साथ उस करबला की तपती हुई रेत पर नमाज पढ़ते हैं मारिफत के साथ, और इमाम हुसैन कहते हैं अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। यहाँ पर जब हुसैन ने पढ़ा ना, तो वो आलिम कहते हैं कि मैंने देखा दूर से एक शैतान था, दूर से शैतान खड़ा होकर अज्जब होकर देख रहा था और सोच रहा था, और यहाँ पर शैतान से किसी ने पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहा मैं इश्क हुसैन को देख रहा हूँ, मैं नमाज हुसैन को देख रहा हूँ, मुझे नहीं पता था कि आदम की सुल्ब में हुसैन जैसी हस्ती भी है। अगर हुसैन जैसी हस्ती मुझे पता होता ना कि हुसैन जैसी हस्ती आदम के सुल्ब में, तो मैं कभी सजदे से इनकार न करता। हाँ ज़ादारा ने इमाम हुसैन आज कहते हैं आशूर के दिन हुसैन ने नमाज पढ़ी, आशूर के दिन हुसैन ने नमाज न छोड़ी। तो हमें भी कहते हैं ए मेरे शियो, ए मेरे शियो, जब मेरे अब्बास का सर कलम किया गया ना, तो मेरे अब्बास की पेशानी पर सजदों के निशान थे, मेरा अली अकबर ने अजान दी थी, मेरा अली अकबर तो मुअज्जिन था, मेरे जितने भी मेरे असहाब थे, ये सब बानमाजी थे, इनके उनके गर्दनों पर हुकूक नास नहीं थे, ये आशिक कुरान थे, ये फकीह थे, ये मुफस्सिर कुरान थे, ये जितने भी आए थे ना, ये मारफत इलाही रखने वाले हैं। हुसैन कहते हैं जो भी मारफत इलाही रखेगा ना, वो मेरा हुसैन ही होगा। और मैं चाहती हूँ कि एक लफ्ज थोड़े से आज आशूर का वक्त है, कुछ मसाइब हुसैन के बयान करूं। हुसैन के मसाइब वो है कि पॉसिबल ही नहीं, हो ही नहीं सकता कि हुसैन के मसाइब को बयान करूं। लेकिन जब आशूर की शब थी ना, तो रात को हुसैन खेमे गाह से लेकर कत्ल गाह तक जमीन पर बैठकर तारीख लिखती है, अपने हाथ से जमीन को साफ कर रहे थे। अपने सहाबियों ने पूछा या हुसैन
आप क्यों इस तरह से कर रहे हो मौला? मौला क्या बात है कि अपने हाथ से जमीन को साफ कर रहे हो? तो हुसैन ने एक चीज कही, मैं कहूंगी बाप जो होता है अपनी बेटी के लिए बड़ा कीमती होता है। दुनिया में बाप से बढ़कर अपनी बेटी से कोई मोहब्बत नहीं कर सकता। हुसैन ने सबूत दिया, कहा इसलिए साफ कर रहा हूं मेरी बेटी सकीना, मेरी बेटी सकीना, जब मैं कत्ल हो जाऊंगा, शहीद हो जाऊंगा, तो मेरी बेटी सकीना खेमे से चलकर मेरे पास आएगी। मैं यहां से पत्थरों को कांटों को हटा रहा हूं कि कहीं मेरी बेटी को पाओ में कोई पत्थर ना लगे, कोई कांटा ना छुपे। हाँ ज़ादारा ने इमाम, अलगर्ज वो वक्त आता है, अलगर्ज आशूर का दिन आता है, हुसैन आते हैं खेमे में, बीवी ज़ैनब के पास, जब सब शहीद हो चुके, मैं कुर्बान हो जाऊं हुसैन के हाथों पे, मुझे नहीं पता कि वो हाथ जो अली अकबर को उठा कर आए थे, वो हाथ जिसने अब्बास के बाजू को, अब्बास के जिस्म के टुकड़ों को उठा, वो हाथ जिसने कासिम को उठाया, वो हाथ जिसने अली असगर को जमीन में दफनाया, वो हुसैन आते हैं, वो हुसैन आते हैं ज़ैनब के पास। अलगर्ज जरा से मसाइब बयान करूंगी, मुझ में ताकत नहीं है कि मैं हुसैन के मसाइब को बयान कर सकूं। अलगर्ज मेरा मौला हुसैन जब आता है ना मैदान में, जैसे ही हुसैन मैदान में आते हैं, चारों तरफ से हुसैन को तीर लगते हैं, ऐसे तीर लगते हैं, एक तीर हुसैन को सीने में लगता है, ऐसे सीने में लगता है, हुसैन झुक जाते हैं, हुसैन के घोड़े को चारों तरफ से तीर लगाए जाते हैं, हुसैन कोशिश करके उस तीर को निकालता है, जैसे ही मेरा मौला उस तीर को निकालता है ना, क्या होता है, चारों तरफ से इमाम हुसैन के तीर थे और उस तीर को निकाला, खून फव्वारे की तरह फूटने लगा, हुसैन ज़ईफ हो गए, हुसैन बहुत ज़ईफ हो गए, घोड़े ने देखा, ज़ुल्जनाह ने देखा कि हुसैन ज़ईफ हो गए, हुसैन को एक दिन घोड़ा सोचता है, चारों तरफ से हुसैन के लिए हमले की तैयारी हो रही, मुझे अपने मौला को छुपाना, वो घोड़ा आता है, हुसैन को एक एक खाने में छुपाता है, एक गढ़े में, देखता है गढ़ा है, एक गढ़े में हुसैन को छुपाता है, हुसैन को लेकर आता है, मेरे मौला इतने कमजोर हो चुके, घुटनों के बल आते हैं उस गढ़े में, और यहाँ पर मिट्टी को थोड़ा सा लेते और मिट्टी के तकिया बना के आराम करते हैं। अरबों का कानून होता था, जब किसी को शिकार करते थे ना, तो बड़े से घड़े में बंद करते थे और चारों तरफ से पत्थर मारते थे, इस कदर पत्थर मारते थे कि वो वही मर जाता था। जहरा के लाल को देखा कि जहरा का लाल घड़े में आ गया, अरे लोगों ने क्या किया, हुसैन के ऊपर इतने पत्थर